और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। देश में बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर आसमानी आफत का कहर टूट रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश आफत बन गई है। आफत की ये बारिश, बर्बादी की ये बारिश लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है। जो जनजीवन है वो पटरी से उतर चुका है। भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके। दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हरियाणा के हथनीपुर बैराज से कई लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है दिल्ली के यमुना नदी मेले, और इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, यमुना से सटे जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे देश में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के सामने भारी परेशानी है। दिल्ली में बारिश के चलते बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। यमुना के निचले इलाकों में पानी भर गया, यमुना खतरे के निशान के पार हो चुकी है। जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में डर के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडवाइजरी कई राज्यों में जारी की गई हैं राज्य सरकारों की तरफ से, और सबसे पहले एडवाइजरी में कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें। खासतौर पर पहाड़ी राज्य हिमाचल में त्राहिमाम है। सैलाब सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा है। नदी नाले पूरे तरीके से उफान पर हैं। कई बिल्डिंग्स धराशाही हो चुकी हैं। और इस मौसम की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में बाढ़ और बारिश का तांडव इस कदर है कि लोगों का जीना वहां पर मुहाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कई लोगों की मौत हो गई है। मनाली में 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है मौसम का। और न सिर्फ मनाली में बल्कि उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई सालों के रिकॉर्ड बारिश ने इस बार तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग का एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बारिश कई बार पूरे मॉनसून सीजन में नहीं होती जितनी बारिश पिछले 2 से 3 दिन में उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई है। दिल्ली एनसीआर में जहां वाटर लॉगिंग लोगों के सामने भारी समस्या बनी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में पुल के पुल टूट रहे हैं, मकान टूट कर गिर रहे हैं। जो पुराने मकान हैं, कई कई साल पुराने जो पुल हैं उनके बुरे हाल हो गए हैं, वो धराशाही हो गए हैं, भर भरा कर गिर गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, रौद्र रूप नदियों ने ले रखा है। 52 साल का रिकॉर्ड मनाली में टूट गया। मनाली और कुल्लू का भी आपस में कई जगहों पर जो संपर्क है वो कट गया है। लोगों को कहा गया है कि आवाजाही चूंकि प्रभावित हुई है, ऐसे में घरों पर ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कई करोड़ों का नुकसान अभी तक हो चुका है। सवाल सबके बीच है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में कुदरत इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सरकारें और प्रशासन इसके जिम्मेदार है? मानसून की शुरुआत में ही उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। हिमाचल से लेकर पंजाब तक आसमान से सिर्फ आफत बरस रही है। हिमाचल में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं पुल के पुल बह रहे हैं तो कहीं गाड़ियां तिनके की तरह बही चली जा रही हैं। पहाड़ों से नीचे आते मलबे की वजह से परेशानी बहुत है। पंजाब में नदी नाले नहर सब बेकाबू हैं। उफनती नदियां तट तोड़ने को बेताब हैं। हरियाणा में भी बरसाती पानी ने सड़कों और घरों तक को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा बुरे हाल साइबर सिटी गुरुग्राम के हैं। दिल्ली में भी 3 दिनों तक लगातार बारिश ने राजधानी का बुरा हाल कर दिया। मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहां पर देखने को मिला। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों में, मकानों में, दुकानों में पानी घुस गया है। लोगों की घरों के भीतर रहना मुश्किल हो गया है कुछ जगहों पर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं पूरे तरीके से, और साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आधे से ज्यादा गुरुग्राम पानी में डूबा हुआ है।
सवाल कई सारे हैं। गुरुग्राम के अधिकारी जरूर ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश ज्यादा हो गई, लेकिन सवाल ये, चाहे 50 मिलीमीटर बारिश हो, 100 मिलीमीटर हो, 150 हो या फिर 200, हर साल गुरुग्राम की यही तस्वीर हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ और बारिश की वजह से, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने की वजह से लैंडस्लाइड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है। पहाड़ों से खिसक कर मलबा जो है वो मुख्य मार्गों पर आ गया है, जिसकी वजह से कई नेशनल हाईवेज हैं ऐसे जिन पर आवाजाही प्रभावित हुई है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात किस कदर बिगड़े हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। मेरे साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, ब्यास नदी के तेज बहाव में ट्रक तिनके की तरह बह गया। ब्यास नदी के सैलाब की चपेट में पार्किंग में खड़े 10 से ज्यादा ट्रक टूट गए, खिलौने की तरह बह गए ट्रक। देखिए, एक ट्रक जिसका वजन अच्छा खासा होता है, कई किलो ट्रक का वजन होता है, भारी बहुत ज्यादा होता है, बड़े जो हैवी चीज़ें होती हैं उनका आदान प्रदान ट्रक के माध्यम से किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में जिस ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है भारी चीज़ों के, वो ट्रक कैसे खिलौने की तरह, तिनके की तरह पानी के तेज बहाव में बह गया, ये तस्वीरें हिमाचल की हैं। बड़ा ट्रक अपने साथ कैसे सैलाब ले गया खींचता हुआ, ये तस्वीरें देखिए। नदी नाले उफान पर हैं, किनारे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। पूरा सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला कोशिशों में लगा हुआ है, जद्दोजहद की जा रही है जिंदगियां बचाने की। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है, मैदान में टीम्स उतरी हुई हैं, अलग अलग जगहों पर जो लोग फंसे हैं उनका वक्त रहते रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती। ये तस्वीर फिलहाल आप हिमाचल कुल्लू की देख रहे हैं, कुल्लू और मनाली में भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ की वजह से मुसीबतों का मानो पूरा पहाड़ टूट गया है, हर तरफ तबाही का मंजर है, लोगों की जान पर बनाई है। सैलाब जिस रास्ते से गुजर रहा है सब कुछ बहा ले जा रहा है। मंडी और कुल्लू से सबसे ज्यादा विनाश की खबरें आई हैं। ऐसे हालातों में कुल्लू और मनाली की दो महिला एसपी लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। कुल्लू की एसपी साक्षी वर्मा खुद उफनती नदी के किनारों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में लगी। एसपी साक्षी वर्मा की अगुवाई में पूरा सरकारी अमला लोगों को सैलाब से बचाने की कोशिश में है। वहीं मंडी की एसपी सौम्या सामसिविन भी नदी किनारे लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट करने में लगी। कुल्लू और मंडी की दोनों महिला एसपी मैदान में उतरी हैं, डटी हुई हैं, खुद लोगों का रेस्क्यू करने में टीम्स भी मदद कर रही हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको कुल्लू और मंडी की दिखा रहे हैं। रोड रेस्टोरेशन का प्रोसेस तो हम तभी बता पाएंगे जब पानी का स्तर नीचे होगा और बारिश बंद होगी, क्योंकि कितने सड़कें बह गई हैं और कितनी सड़कें अभी मौजूदा हालात में स्थित हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी अलर्ट है वो कब तक अलर्ट आपकी तरफ से देगा पुलिस को, क्या बताइए? जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आज तो पूरे दिन का रेड अलर्ट है, कल क्या स्थिति होगी ये उनसे पता लगेगा। अभी तक कितने घर खाली आ चुके हैं, लोगों को रिलीफ कैंप पे भेजा गया? आज हम करीब 80 लोगों को इन घरों से, जो कि 50 घर होंगे, और उसके अलावा जो थोड़ा सा यहाँ पॉश एरियाज हैं वहाँ से भी हमने करीब 25 मकान खाली करवाए हैं। ऐसा भी देखा गया कुछ लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो किस तरह से कदम उठाए? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर घर निर्माण किया है उनको थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी उसे छोड़ने में, लेकिन फिर भी उन्हें समझाया गया है कि जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने उन जगहों को छोड़कर शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दे दी थी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू की केंद्र से अपील, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की गई है। हिमाचल चूंकि वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, चाहे वो संपत्ति का हो या फिर जिंदगी का हो, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है सुक्खू की तरफ से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की है। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से। हिमाचल के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है और इस बात की जानकारी खुद ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। हिमाचल में चूंकि बाढ़ और बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है, सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है।
राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। चूंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से हो चुकी है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही हैं और ये तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है। ये देखिए आप, सैलाब कैसे सब कुछ अपने साथ खींच कर ले जाने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मंडी के थुनाग में बादल फटने से तबाही मच गई। कुदरत की इस तबाही में कई घर और दुकानें तहस नहस हो गईं। मलबा और कई पेड़ घरों में घुस जाने से घरों में रखा सामान तबाह हो गया। मार्केट में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि तबाही में किसी की जान नहीं गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बादल फटने के बाद बाजार की मुख्य सड़क दरिया में तब्दील हो गई। सैलाब अपने साथ पेड़ की टहनी, गाड़ी, सब कुछ बहा कर ले गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 60 दुकानें और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही करीब 130 परिवार इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। बादल दरअसल यहां पर फट गया। ये मंडी की तस्वीर है हिमाचल के, और सैलाब फिर देखिए कैसा आया, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। इसमें पेड़ हैं, गाड़ियां भी हैं, लोगों के घरों का सामान है, मलबा है, सब कुछ सैलाब अपने साथ खींच कर ले गया। भारी नुकसान इससे पहुंचा है। अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लोग सुरक्षित हैं आसपास के सभी, लेकिन कैसे चीख पुकार वहां मच गई। लोग डर गए, सहम गए, उन्हें डर हो गया कि कहीं वो या फिर उनके अपने इस सैलाब में ना बह जाएं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बेहद गंभीर हैं। पहाड़ों से पानी के साथ आ रहे मलबों ने जहां लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। तस्वीरें हिमाचल के सोलन की हैं। सोलन के परवाणू में ऊंचाई से ढलान की ओर आते पानी का वेग इतना ज्यादा कि इसमें कारें तक बह गई। तस्वीरों में देखिए आप, ऊपर से बहती आई कारें एक जगह आपस में भिड़कर फंस गई, इसलिए आगे बहने से बच गई। नहीं तो इन गाड़ियों का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं रहता। एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां पर देखेंगे आप तस्वीरों में, ऊपर से ना जाने कहां से बहती हुई ये गाड़ियां आईं और फिर एक के बाद एक आपस में टकरा गईं। वजन बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से रुक गई। नहीं तो सैलाब इतना जबरदस्त है, पानी का बहाव इतना जबरदस्त है कि सब कुछ अपने साथ खींच लेने को पानी नजर आ रहा है। मैदान से पहाड़ तक बुरे हाल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश हुआ है। और ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की ही है। हिमाचल प्रदेश से ना जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां गाड़ियां की गाड़ियां बह रही हैं पानी में। हिमाचल प्रदेश की और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भीषण बाढ़ और बारिश ने 100 साल पुराना पंडो पुल तोड़ दिया। तस्वीरें आप देखिए, पंडो पुल की ये तस्वीरें, पानी में इतना ज्यादा करंट है कि प्रवाह है इतना ज्यादा कि पंडो पुल पानी के बहाव का जो दबाव है वो झेल नहीं सका, टूटकर सैलाब में ही पूरा का पूरा पुल समा गया। कई बिल्डिंग्स हैं जो कि पानी में डूबी हुई हैं, कई फीट तक पानी इलाके में भर गया है। भारी परेशानी, प्रशासन के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में कुदरत इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वाकई में कुदरत का कहर है या फिर सिस्टम की लापरवाही है, सरकारों की लापरवाही है जो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करती हैं? जनजीवन आम लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश तबाही की तस्वीरें झेल रहा है। कहीं सैलाब बर्बादी की तांडव मचा रहा है तो कहीं पर जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मंडी की तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए, जहां ब्यास नदी में फंसे 6 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच दरिया में 6 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम हैरतअंगेज तरीके से उन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर रही है। घटना मंडी जिले के लगवैन गाँव की है, जहाँ ब्यास नदी में आए अचानक बाढ़ में 6 लोग फंस गए। आनंद फानंद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और फिर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सभी 6 लोगों को सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ की टीम न जाने ऐसे और कितने लोगों के लिए देवदूत बनी है। इस सीजन की हम बात कर रहे हैं,
मानसून की बारिश की शुरुआत इसे महज कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये मंडी की ही तस्वीरें हिमाचल के, जहां पर 6 लोग फंस गए और कैसे फिर उन्हें बचाया गया, कैसे देवदूत बनकर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, ये देखिए। बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हैं। देखिए कैसे आधे देश में सैलाब है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। मंडी जिले के थुनाग में फ्लैश फ्लड आया। यहां पर बाजार में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। भारी कीचड़ और गाद के इस फ्लैश फ्लड में थुनाग बाजार के बीचों बीच से बड़े बड़े पेड़, मलबा और पत्थर बहते दिखे। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में जगराई नाला में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। मणिकर्ण गुरुद्वारे के ठीक सामने बना पुल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। सैलाब के शोर ने माहौल को और डरावना बना दिया था। हिमाचल के चंबा के चमीरा बांध से सैलाब की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पानी का स्तर बढ़ने के बाद बांध से जब पानी छोड़ा गया तो सैलाब के कोलाहल ने माहौल को दहशत से भर दिया। कुल्लू के गांधीनगर में नदी किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में नदी में समा गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में नर्सरी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल के नीचे से गुजर रही भागा नदी का उफान इतना जबरदस्त था कि चंद पलों में नर्सरी पुल नदी में समा गया। आसमान से बरसी आफत ने दिल्ली को डूबो कर रख दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में लोग सड़कों पर नाव चलाते दिखे। भारी बारिश की वजह से हरियाणा में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। करनाल में तो यमुना उफान पर है। यहाँ के कई गांवों में यमुना नदी का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के अंबाला की आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से मनमोहन नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों ओर पानी ही पानी सिर्फ आपको नजर आएगा। हरियाणा के 2 अलग-अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। करनाल और अंबाला में कैसी स्थिति है ये आप देखिए। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में निचले इलाकों में रह रहे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम उन्हें एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। इसके अलावा अंबाला की भी एक तस्वीर आपके सामने है। हरियाणा के अंबाला में एक पूरा मोहल्ला पानी में समा चुका है। मनमोहन नगर का इलाका है अंबाला का, जहाँ पर कई फीट तक पानी भरा है। हरियाणा के पंचकुला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पंचकुला में घग्गर नदी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। सेक्टर 25 और 26 में हर्बल पार्क पूरी तरह घग्गर नदी में डूब चुका है। हमारे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट इस पर देखिए। कुदरत का तांडव इस समय पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ पंचकुला की घग्गर नदी के पुल पर और आप देख सकते हैं कि ये कहर है प्रकृति का। इस समय ये जो तस्वीर है, ये नदी जो है बहुत लिमिटेड मैनर में, यानी कि बड़े छोटे दायरे में बहा करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो भी इसके आगे बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। और ये नज़ारा पंचकुला के अलायदा पूरे हरियाणा और हिमाचल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार हिमाचल से पानी नीचे आ रहा है और ये
धुंधला पानी जो है, मिट्टी रंग का जो पानी है, इसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, सेक्टरों में पानी चला गया, जो पार्क यहाँ पर बने थे बोटैनिकल पार्क, उनको भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। ऐसे में लोग ये समझ रहे हैं कि ये पिकनिक है, इसके किनारे पहुँच रहे हैं। हरियाणा की पुलिस अब इन पुलों पर तैनात की गई है ताकि लोगों को ऐसी खतरे वाली जगह से बचाया जा सके। वहीं प्रशासन और सरकार को हिदायत ये दी गई है कि आप जो है लगातार ग्राउंड पर रहिए, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है वो करिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से बैठक की गई है, ये आप देख सकते हैं, ये रौद्र रूप है। और मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को ज़रूरत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कोशिश करें। ये पहाड़ी रास्ता है जहाँ से ये नदी आ रही है, और दूसरी तरफ का नज़ारा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको दिखाए। ये जो दूसरी तरफ जो जा रही है, ये पंजाब की तरफ ये नदी जा रही है। ऐसे में पंजाब में इतना पानी एक साथ जब पहुँच रहा है तो बनूर, खरड़, मोहाली के तमाम इलाके जो हैं वो पानी में पूरी तरह से समाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बारिश जो है वो अपना पूरा तांडव बाढ़ के रूप में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अलग अलग इलाकों में बर्बादी दिख रही है। पंजाब में भी हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन पटरी से उतर चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पंजाब के रूपनगर इलाके में ड्रोन से ली गई तस्वीर है दूसरे विंडो में, और इससे आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब में भी बारिश किस कदर कहर बरपा रही है। सतलुज नदी में बाढ़ से चारों तरफ पानी ही पानी है। चंडीगढ़ की भी एक तस्वीर है आपके सामने। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं, जलजमाव है, आम लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूपनगर और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें ड्रोन कैमरा से ली गई दूसरे विंडो में तस्वीर आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ की कैसे पानी पानी चंडीगढ़ हो गया है, पंजाब का रूपनगर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर भी कई इलाकों में जलभराव बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की जो रफ्तार है, जो पहियों की रफ्तार है वो थम गई है, उस पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ है कई इलाकों में कि वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है।